Very scary, isn't she? Not. You can pet her. She's friendly. गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में प्लेस बर्ड्सविल। हाँ, तो अब आपको एक अपडेट और दे देता हूँ। जो ट्रेन की टिकट थी मैंने बुक कर ली थी, मुझे लग रहा था उसमें $25 का वो मुझे लगेगा फाइन कि भाई कैंसिल करने का। तो उन भाइयों ने बोला कि अरे चिंता मत करो, आपकी ये इस टिकट को हम ऐसे कैंसिल कर रहे हैं बिना कैंसिलेशन फी के साथ। $160 लगे थे, वो रिफंड हो जाएंगे मुझे। और दूसरा जो फ्लाइट टिकट है, थैंक्स टू दैट एंटी, ये फ्लाइट टिकट मुझे पड़ी $259 के, लगभग 13,000 से 14,000 रुपए की। कल सुबह की मेरी फ्लाइट है जो मुझे 6-7 स्टॉप के बाद ब्रिस्बेन पहुँचा देगी। 10 बजे निकल के शाम को 5 बजे पहुँचेगी वो। और परसों मेरी जो स्काई डाइव है वो बुक कर ली है मैंने, और मैंने अभी तक न्यूजीलैंड वाली फ्लाइट वो बुक की नहीं है। एक बार मैं यहाँ पे जो सुपरमार्केट है ना उसके अंदर जा रहा हूँ बर्ड्सविल के। Hey man, how you doing? भाई यहाँ पे ना बर्ड्सविल के अंदर सबको पता चल गया है मेरे बारे में कि एक इंडियन बंदा आ रखा है और वही हाइकिंग करके जा रहा था लेकिन जा नहीं पाया। जो लास्ट वीडियो में आपने कार्डबोर्ड देखा था ना जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैंने नेक्स्ट टाउन, वो दोनों भाइयों ने मुझे दिया था। थैंक्स मेट, सी यू। इस जगह के बाद मेरा अगला प्लान तो वही था बेकरी के अंदर जाने का, लेकिन अभी भाई साहब ने बताया कि बेकरी बंद है, तो बेकरी वाला सिस्टम छोड़ के मैं आपको और जगह दिखाऊंगा। लेकिन इस गांव के अंदर एक पेट्रोल पंप है, एक सुपरमार्केट है, यही सुपरमार्केट है, यही ग्रोसरी जो भी आपको खरीदनी इसी दुकान से खरीदनी होगी। और पंगा यहाँ पे क्या है, चीज़ें बहुत महंगी हैं। मैं नॉर्मली जो एक कैन लेता हूँ ना चिक पीस की, वो अगर आप नॉर्मल सिटीज़ में खरीदोगे, बड़ी सिटीज़ में खरीदोगे या फिर जहाँ पे लोग बहुत रहते हैं उन सिटीज़ में खरीदोगे, वो आएगी लगभग $1.5 की। यहाँ पे उसके $3 हैं। लगभग सारी चीज़ें 1.5 से 2 गुनी महंगी हैं बर्ड्सविल के अंदर। जिस रास्ते पे मुझे जाना था ब्रिस्बेन, वो रास्ता थोड़ा कच्चा भी है, आई थिंक इसी कारण से इतने लोग यहाँ पे जाते वाते भी नहीं है। ज्यादा मेरे को यहाँ पे लोग मिल रहे हैं क्वींसलैंड के, लेकिन ऊपर वाले क्वींसलैंड के और साउथ ऑस्ट्रेलिया के, एडिलेड की तरफ वाले। और गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, 45 से लेके 52 के बीच में पारा पहुंच जाता है कभी कभार। ये जो मैंने अभी खरीदी थी, क्या बोलते हैं गेटोरेट, ये मुझे पड़ी $5 की। ये तो अगर आप बड़ी सिटीज में भी खरीदोगे ना तो भी $3.5-$4 के आसपास पड़ती है। और सेम गेटोरेट अपने इंडिया में भाई 70 से 80 रुपए की आ जाती है शायद, और यहाँ पे इसके आपके लग जाएंगे 250 से 280 रुपए के बीच में। महंगा तो है भाई ऑस्ट्रेलिया। मैं भी एक बार इन्फॉर्मेशन सेंटर पर जा रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन सेंटर के बाद बेकरी के ऊपर जाऊंगा। उधर रह गया एयरपोर्ट जिसको मैं कल यूज़ करने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन सेंटर में ऑलरेडी जा चुका हूँ तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप इधर आते हो तो एक बार इन्फॉर्मेशन सेंटर जरूर जाके आना, वो आपको ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये यहाँ पे एक छोटा सा रेस कोर्स है शायद, या क्रिकेट ग्राउंड है, बीच में पिच तो बनी हुई है। उधर सामने जो दिख रहे हैं ना वो है बेकरी, और उधर रह गया पुलिस स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना आपको लगभग जगह तो छोटी छोटी एयर स्ट्रिप मिल जाएंगे जहाँ पे आप छोटी मोटी फ्लाइट लैंड कर सकते हो। कई लोग ऐसे हैं भाई जो लाइसेंस ले लेंगे अपने पायलट का और छोटी सी प्लेन लेके ऑस्ट्रेलिया के अंदर घूमते रहेंगे। कई एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप तो ऐसी हैं जहाँ पे तारकोल नहीं बिछा हुआ है, कच्चे रोड के ऊपर ही लैंड करा देते हैं लोग। और यहाँ पे पेट्रोल पंप 2 है भाई इतनी छोटी सी जगह में। द सिम्स डेजर्ट एक्सपीडिशन 1939 का कुछ यहाँ पे एक्सपीडिशन होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता रहे। हाँ, वी कैन फाइंड कैमल्स हियर इन दिस एरिया। They're supposed to be wild, but we've done a lot of outback stuff. Never seen them. They're mostly in the wild only. Yeah. No one breed them or anyone? No. No idea. Have to talk to people in the park. Okay, thanks, man. 16 दिसंबर 1860 में यहाँ पे एक भाई साहब आए थे बोर्केनविल्स। इसमें देखिए ये अंग्रेज दिखा रखा है बीच में, और पीछे अफगानी ट्रेडर्स। अंग्रेजों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन जो अफगानिस्तान या इंडिया से जो लोग आए हुए थे उनके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है मेरे को। ट्रेडिंग आवर्स 9 AM to 2 AM। अरे बाप रे। ये देखिए बिग रेड का क्रेज कितना ज्यादा है। अंदर से देखा कैसा है पब है? तो ये है यहाँ का बर्ड्सविल होटल, जिसके अंदर आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी, रेस्टोरेंट भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ का खाना बहुत एक्सपेंसिव है। एक छोटी सी बियर की बोतल होगी वो नॉर्मली अगर आप बाहर किसी जगह पर लेते हो तो वो पड़ेगी आपके शायद $4 से $5 की, यहाँ पे उसका प्राइस है $10। 1884 में एस्टेब्लिश हुआ था, एक बार इसमें आग लग गई थी, इस बिल्डिंग का रिनोवेशन होता रहता है। अब मैं थोड़ी दूसरी तरफ जाके आता हूँ। कितनी प्लेन खड़ी है, 1, 2, 3 तीन छोटी छोटी प्लेन खड़ी हैं, और ये एविएशन फ्यूल। वो है बर्ड्सविल का एयरपोर्ट, वो एक टर्मिनल बिल्डिंग, वहीं से कल मेरी एंट्री होगी।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन रिमोट एरियाज के अंदर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं उनका ना एयरपोर्ट जरूर चेक कर लेना कि वहाँ पे एयरपोर्ट है या नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई आप फंस जाओ, जैसे मेरे साथ हो गया कि भाई कोई बंदा उधर जा ही नहीं रहा है, लिफ्ट मिली नहीं मुझे कल। यहाँ पे जियो थर्मल एक पावर स्टेशन बना हुआ है, ये एक और लॉज, टूरिस्ट लॉज बर्ड्सविल। अच्छा वो है शायद कैफे, लेकिन वो कैफे भी बंद हो गया होगा भाई। ये है मोबाइल टावर, पहले मुझे लगा पानी की टंकी होगी, ऊपर लग तो पानी की टंकी भी रही है और ऊपर उन्होंने मोबाइल के टावर भी लगा रखे हैं। ये भी बंद हो गया भाई, ये वो छोटा सा कैफे जो उस भाई साहब ने मुझे बताया था कि कैफे मिल जाएगा। तो कुल मिला के या तो आपका जो बर्ड्सविल होटल है उसका पब खुला मिलेगा, नहीं तो वो पेट्रोल पंप के ऊपर एक छोटी सी दुकान है वो खुली मिलेगी। बाकी 2 बजे के बाद यहाँ पे सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। यहाँ के बारे में एक मस्त चीज़ और है, ऊँट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ठीक ठाक ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऊँट यहाँ का नेटिव जानवर नहीं है। हॉट वाटर समझा नहीं किस लिए, ये क्या ज़मीन से निकल रहा है क्या? ये शायद उबलता हुआ पानी है। Excuse me. Yeah. What kind of water is this? It's hydrothermal. It comes from the artesian basin. Bore water. So they dig down 1.2 kilometers. Uh-huh. Yeah. And the water comes up. It's a hot water. And that's how they produce electricity here. Yeah. It's, that's right. Well, they use this water plus the river water. And all the water supplied in the village is from here only. It's from the river and from this. Ah. This water is coming hot only from the ground. Yes, exactly. Ah, okay. Yeah. Thank you guys. No worries. Yeah, 98 degrees. How much? 98 point Celsius. Oh, that's hot. They mean boiling and they say boiling. Thank you. अच्छा तो अब समझ आया भाई, इस गांव के पानी को है ना, जो सप्लाई वाले पानी को आप पी सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में लगभग जगह ऐसा है जो भी सप्लाई का पानी आता है वो पीने योग्य है। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे एक पाइप खोदी, उससे गर्म पानी निकलता है मस्त वाला, वो जियो थर्मल। अच्छा आप समझ गया, काइंड ऑफ हॉट स्प्रिंग। तो इस पानी को यहाँ पे लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, वॉशिंग के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए। दबा के गर्म है भाई, 98.6 डिग्री सेल्सियस। खोलता हुआ पानी से तो अंडा पता नहीं कितनी देर में बोल जाए। No unauthorized camping within the town limits. हाँ देखिए, इन्हीं ऊँटों की मैं बात कर रहा था, ये ऊँटों का साइन दिखा रखा है ना। ऊँट यहाँ के नेटिव नहीं है, कराची साइड से और अफगानिस्तान साइड से अंग्रेज ऊँट के ट्रेडर्स लेके आए थे और वो यहाँ पे आके ऊँट बेचते थे। कुछ टाइम ट्रेन तो थी नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तो ऊँटों का इस डेजर्ट के अंदर काफ़ी यूज़ होता था। अभी जिस एरिया में मैं हूँ इस एरिया का नाम है सिम्पसन डेजर्ट, विच कम्स अंडर आई थिंक नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इन 3 स्टेट्स में ही आता है। ये यहाँ का वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट भी है जो घरों को पानी भी सप्लाई करता है और ऊपर भाई मोबाइल के वो भी लगा रखे हैं एंटीनास जो यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं। अब जैसे अपने इंडिया में तो भाई छोटे छोटे गांव के अंदर आपको कई जगह टावर नहीं मिलेंगे, जैसे मेरे ननिहाल में टावर नहीं है तो वहाँ पे नेटवर्क काफी भी लफड़ा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर याद है कुलाडी जहाँ पे वो 2 आंटी रहती है सिर्फ, वहाँ पे भी टेलस्ट्रा ने मोबाइल टावर लगा रखा है, वहाँ पे भी नेटवर्क आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 बंदों के लिए। मैं यार ये तो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल बात हो गई कि सिर्फ 2 बंदों के लिए मोबाइल टावर लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के गाँव के अंदर आपको एक कल्चर और देखने को मिलेगा, लगभग गाँव के अंदर छोटे छोटे रेस कोर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग ऊँटों की रेस करवाते हैं, घोड़ों की रेस करवाते हैं, और एक टाउन के बजाय आपको आउटस्कर्ट्स में ज्यादा लोग रहते हुए मिलेंगे भाई। कई लोगों के पास बड़े बड़े फार्म है, कई लोगों के पास भाई पता नहीं 15-15, 20-20, 30-30 हजार हेक्टर के फार्म है, एक बंदा इतनी जमीन ओन करता है। अभी है ना मैं थोड़ी टाउन के लिमिट से बाहर जा रहा हूँ ताकि ड्रोन फ्लाई कर सकूँ, एयरपोर्ट है पास में तो ड्रोन टेक ऑफ नहीं करेगी, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा टाउन से। पहुँच गया हूँ डायमंटिना रिवर के ऊपर, वो आगे इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद कल वहीं पे मैं लिफ्ट मांग रहा था। ये कैंप साइट भी है तो काफ़ी लोग यहाँ पे है ना कैंप करते हैं, लेकिन ये फ्री कैंप साइट है। अभी मैं नदी के किनारे पहुंच चुका हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे थोड़ी देर। यहाँ पे ना थोड़ी ताजगी है, मक्खियाँ भी कम है एज कम्पेयर टू धूप। धूप में पता नहीं ज़्यादा मक्खियाँ क्यों आ रही थी। पीछे जो भाई देख रहे हो वही भाई यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, और उन भाई से मैं मिला था बुर्क में जो मेरा कैंपिंग का दूसरे वाला दिन था उस दिन। सही था यार, तो काफ़ी ऐसे बंदों से मिल लिया हूँ जिनको मैंने पहले देखा था। और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो कैरेवन पार्क में भी नहीं रुकते हैं, कहीं पे भी कैंप कर लेंगे, नदी से मछलियाँ पकड़ के खाएंगे या फिर खरगोश को मार के खाएंगे। तो ये भी एक अलग टाइप का एडवेंचर है, अगर आप इस टाइप का एडवेंचर करना चाहते हो तो यार देख, एक तो आपके पास अच्छी वाली गाड़ी होनी चाहिए। भाइयों के पास है ना पीछे दिख रही होगी छोटी सी गाड़ी है, और पीछे जो टाई किया हुआ है ना वो भी अच्छे वाला है, गाड़ी उसको कहीं पे भी खींच जाएगी। उस टाइप के एडवेंचर के लिए आपको इस टाइप की गाड़ियाँ चाहिए। और ये लोग कैंप भी है ना एकदम जंगलों के बीच में करते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा और आपके एक्सपीरियंस भी तकड़े होंगे। कई बार अकेले कैंप करने में मज़े बहुत आते हैं।
भाई इधर बता रहे हैं कि मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन एक भी मछली लेना इस मेरी जो बेट है उसको पकड़ा नहीं है। भाई ने शायद लगभग 6-7 दिनों से हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक पकड़े नहीं है। मे भी शायद बाद में इनको मिल जाए। What's your next destination after this? Mount Isa? Yeah, Mount Isa and then the Gulf of Carpentaria. You're traveling for long, man. Enjoy your travels. 4 months. Oh, that's nice. Yeah, and then back in Sydney and then traveling south. You work in Sydney or? I don't have a job now. We're living out of the car. Ah, so, nice, man. Yeah, I did have a job. I had 2 jobs. Oh, you had 2 jobs? I did, yeah. So you saved a good amount of money now? Yeah, decent. And then on the south point, I'll just do some work along the road. Ah, nice, yeah, man. Yeah, so. Enjoy, Matt. I shall. अब ड्रोन उड़ा ही लेते हैं, ज़्यादा लेट हो जाऊँगा नहीं फिर मैं। ऊपर जो बाज उड़ रहे थे ना, बाज और चील, वो इस ड्रोन के ऊपर भाई हमला टाइप करने लग गए थे एकदम। किसी का टच तो नहीं हुआ लेकिन इससे सामने मंडराने लग गए थे, तो फिर मेरे को डर लगने लग गया। मैं भाई पानी में गिर जाएगा तो फिर वैसे ख़राब हो जाएगी और ऊपर से गिरने के बाद वैसे भी कुछ नहीं बचने उसमें। फिर मैंने उसको लैंड करवा दिया लेकिन ड्रोन शॉट ठीक ठाक आ गए थे। एनी लक? एंड वेयर आर दिस द थिंग द स्क्विड्स? They'd be in there, I think, but I don't know if there's any in there. One sec, I'll have a look. Shrimp. No luck on the The shrimp's just for bait. You can't eat them? You probably could, but they wouldn't make much of a meal. They're tiny. You found a fish? It's a fish. It's not very big, though. Most of them are that big. Oh, yeah, it's going, sorry. No, you're right. I'm not going to eat it. It's not big enough. I see you're going to throw her. Yeah, I'll put it back in. Oh, man. You just got to watch those spikes. Ah, live life fish. what is this? Sardines. Oh, so they might get attracted towards the smell? Yeah, you can use tuna or sardines or different stuff. अभी जिन भाई के साथ मैं फिशिंग कर रहा था उन भाई का नाम है फिल एंड थैंक्स अ लॉट फिल एंड ये हैं फिल भाई की गर्लफ्रेंड क्लेयर। थैंक्स अ लॉट गाइस। और इस कपल से मैं मिला था भाई बुर्क में और वहाँ पे मैंने इनको देखा था और मैंने सोच रहा था दिमाग में यार इन्होंने मिलिट्री वाली गाड़ी ले रखी है, तो फिल भाई ने मुझे बताया कि हाँ इन्होंने मिलिट्री से ही गाड़ी खरीदी थी लेकिन काफी सस्ते में मिल गई थी इनको $8,000 में। व्हाट डू कॉल दिस व्हीकल? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वन? इट्स अ लैंड रोवर। इट्स अ लैंड रोवर? या या। जस्ट यू गॉट इट वेरी चीप मैन। ओल्ड? या या, दे वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। या या, इट्स अ लैंड रोवर। एंड व्हेन डिड When did I buy it? Yeah. 4 years ago. Yeah, dekho bhai. Yeah. You have everything, man. It's nice. Yeah. Bhai ki gaadi dekhi, agar maan lo koi gaadi fas jati hai, bhai ki bhi gaadi fas. So even if your car got stuck, you can some hide. Yeah, it's a winch. What, winch? Yeah, pulls me in. Yeah. And you have an you got a good suspension. Yes, I do. Yeah. Nice. Is it like? It was like this only, or you had it after? I did all of it. And this is your Instagram? That is my Instagram, yeah. Or yeah, bhai bhai ka Instagram, Roving Beyond. It's a nice name, man. Yeah. It's a diesel, yeah? Yes, it's a diesel, yeah. और ये जो पीछे वाला देख रहे हो ना, ये है भाई का कैरावन टाइप। इसके अंदर भाई और सोते हैं और छोटी मोटी भाई और की लग्जरी, बाकी खाना पीना सब इधर ही रखते हैं। और ये फिल भाई ने खुद ही बनाया। Yeah, you build it on your own. It's a tub. Uh-huh. It's the same tub on the back of the car, on the trailer. Nice, man. Yeah. ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, अगर आप पीछे कोई ट्रेलर वेले या ट्रोले टाइप लगा रहे हो ना, अगर उनका वेट 250 किलोग्राम से ज्यादा है तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। It's amazing. Nice, man. Thank you, Claire. And thank you, Phil. Thank you. What's the name of your dog? Maisie. Maisie? Yeah. She's very lazy at the moment. Maisie. Maisie. Maisie.
Very scary, isn't she? Not. You can pat her. She's friendly. She's friendly. She Mezzy. Loves. She loves pats. She loves pats. Hey, Mezzy. So, bhai, main yahan se nikal raha hun. Thank you. Once again, no thanks worries. A lot. Thanks, enjoy mate. Your trip, man. Yeah, you thank too. You. Enjoy I hope you had a great time. Right. Thanks, mate. ये भाई एक बड़ा सा पेड़ है। Bye John, bye bye, bye bye. Oh, do you want some grab some beers in the town? No, I don't drink. You don't drink? No. Oh, that's a big secret to health. Okay, bye bye. So nice to meet you. You too, sir. Bye bye. Safe travels. Yeah, thank you. मैं इधर से निकल ही रहा था, एक भाई साहब और मिले मुझे। ये हैं जॉन सर। इनकी उम्र थी लगभग 60 से 70 के आसपास। इनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो रखी थी, पता नहीं मे भी शायद गले में कोई दिक्कत होगी या फिर ये ऐसे ही बोलते होंगे। और ये पिछले 4 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे, छोटे सी वो कैरवन टाइप लगा के, और उसी में आउटबैक में कैंपिंग करते हैं, अकेले घूम रहे हैं। तो इस टाइप के जो ट्रैवलर है ना, आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ट्रैवलर्स की है ना, बहुत वैरायटी देखी है मैंने। अभी एक पॉइंट पर और जा रहा हूँ मैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पेलिकन पॉइंट, और उसके बाद फिर भाई मेरा इस टाउन का जो टूर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक दो पॉइंट और हैं, लेकिन उन पॉइंट के ऊपर जाने का मेरा ऐसा कोई खास मन नहीं है। और अभी सनसेट भी होने वाला है थोड़ी देर में। यार एक चीज़ और दिखी थी मुझे कल, आज वापस से दिखी, मैं आपको ये चीज़ दोबारा दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मस्त भी लगी, और काफ़ी गाँव के अंदर देखी है मैंने। यहाँ पे गाँव के आउटस्कर्ट्स में भी आपको इस टाइप की टूटी मिलेगी या नल मिलेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर। तो ये देखिए, ये पीने वाला पानी है। आई थिंक इसीलिए बना रखा है, अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे कैंप करना चाह रहा है तो पानी इसको इजीली एक्सेसिबल हो जाए। यहाँ पे गाड़ियों का भी निशान है, तो मेरे हिसाब से काफी लोग यहाँ पे कैंपिंग भी करते होंगे। ये बाकी देखिए भाई, ये पूरा बियाबान जंगल है इधर। ये वाला रास्ता पुराना रास्ता है जो नदी क्रॉस करता था, उसके ऊपर ब्रिज नहीं बना हुआ। पुराने टाइम में आपको नदी के अंदर से अपनी गाड़ी चला के आना पड़ता था। हाँ भाई साहब, चलते हैं अंदर। पेलिकन पॉइंट पर जा रहे हैं, थोड़ा चलना पड़ेगा, शायद 1 किलोमीटर और होगा बस। सनसेट भी बस होने वाला है अभी। तो अभी जिस एरिया में मैं हूँ, ये एक काइंड ऑफ सेंचुरी मान लीजिए। मक्खियाँ ज़्यादा आ रही थी तो मैंने नेट अपने मुंह के ऊपर वापस से लगा लिया। छोटी मोटी बर्ड सेंचुरी है, दोनों तरफ पानी है और बीच में छोटा सा रोड बना हुआ है। ये भाई, इस आउटबैक की मेरी लास्ट सनसेट है, इसके बाद मैं निकल जाऊँगा। और यहाँ पर छोटी मोटी नदी में दरार आ रखी है, इससे डर लग रहा है मुझे। इस पानी के जस्ट क्रॉस करने के उस साइड है अपना वो कैरवन पार्क। 10 मिनट है अभी सनसेट होने में, रोड के ऊपर जा रहा हूँ यार। तो भाइयों, प्यारे प्यारे सनसेट देख लीजिए, इसके बाद शायद ऑस्ट्रेलिया के अच्छे वाले सनसेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो बंदे देख रहे हैं आप जो भी भागते हुए जा रहे हैं, ऐसे है ना, भी काफ़ी बंदे आ रखे हैं जो भी बर्ड्सविल के आसपास भागते हुए मिल जाएंगे। मैराथन होने वाले हैं ना यहाँ पे 4-5 दिन बाद। बेसिकली यहाँ के लोगों का रोजगार है कैटल फार्म है यहाँ पे, बाकी कुछ तो उगता नहीं है क्योंकि भाई एकदम बंजर जमीन है। लेकिन गाय वाएँ भेड़ वेड़ रखते हैं यहाँ के लोग, और खुले खेतों में वो चरती रहती है। यहाँ की गायों को लोग ज़्यादा ऑर्गेनिक गायें बोलते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के पास ज़्यादा कुछ चराने को है नहीं, तो जंगल में घूमती रहती हैं और अपने चरती रहती हैं। फिर जो लंबी लंबी कैटल ट्रेन आती हैं, वो रोड ट्रेन, एक ट्रक के पीछे 3-4 कंटेनर जुड़े हुए, वो इन कैटल इन गायों को लेके चले जाते हैं। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया उन गायों को पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। ऑस्ट्रेलियन बीफ दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया बीफ का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और ऑस्ट्रेलिया के लगभग गाँव के अंदर ऐसा ही सीन है। ज़्यादातर लोगों के पास बड़े बड़े फार्म होते हैं, कैटल फार्म नहीं, तो फिर कई जगह आपको मैंगो फार्म मिल जाएंगे, ग्रेप फार्म, फ्रूट की प्रोडक्शन अच्छी खासी है क्योंकि ट्रॉपिक जोन का अच्छा खासा एरिया पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, तो डार्विन साइड में अच्छे खासे फ्रूट फार्म भी है, तो ठीक ठाक फ्रूट प्रोडक्शन भी होता है, अच्छा खासा कैटल सप्लाई करता है। बेसिकली जिस एरिया के अंदर मैं अभी हूँ, इस एरिया में आपको एक डिफरेंट टाइप की गाय मिलेगी जिसका ब्रीडिंग अपने इंडिया की एक वैरायटी के साथ हुआ था। यहाँ पे उस वैरायटी को ब्राह्मण बोलते हैं क्योंकि वो वैरायटी डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए बेस्ट है। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया में जो आपको गाय मिलेंगी और इस एरिया में जो गाय मिलेंगी वो थोड़ी अलग है, वो अपनी थोड़ी इंडियन गायों के साथ थोड़ी मेल खाती है। अंग्रेजों ने उनके साथ ब्रीड करवाया था कि भाई इस हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव कर पाए। और यहाँ से भाई बर्ड्सविल टाउन स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, बाहर आप चाहे कहीं पे भी कैंपिंग करिए, नो कैंपिंग विद इन टाउन लिमिट्स। छोटे छोटे गांव में भाई इस टाइप के रनिंग ट्रैक बना रखे हैं। अब समझ में आ रहा है कि भाई दुनिया इन डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ क्यों भागती है, और खास करके ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये जूम इन होने के बाद एक चीज़ दिख रही है, एकदम मुझे लगा रहे हैं ये मेरे वाला टेंट कहाँ से आ गया। मेरे को हिमालयन याद आ गई, एक टॉप बॉक्स और 2 पैनियर। तो कुछ बाइकर्स भाई और आ रखे हैं और वो यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं।
ये देखिए कुछ बाइकर्स अपने बाइक लेके काफ़ी लोग आज टेंट वेंट पिच कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगले 4 से 5 दिन कैरावन पार्क के लिए अच्छे खासे बिजी रहने वाले हैं। आज है ना, कल से ज़्यादा चहल पहल हो रखी है यहाँ पे। ये जितनी भी साइट्स आपको दिख रही हैं ये नॉन पावर्ड है, यहाँ पे आपको लाइट का कनेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कई लोगों के पास जनरेटर वनरेटर होते हैं, कई लोग तो अपने भाई सोलर पैनल लेके घूमते गाड़ी में, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हैं कॉमन वॉशरूम्स, लगभग जितने भी आपको ये कैरावन पार्क मिलेंगे इन सब के अंदर इस टाइप के कॉमन वॉशरूम होते हैं। और इधर ही जितनी भी साइट्स आप देख रहे हो ये सारी हैं पावर्ड साइट्स। और भाई ये है यहाँ की किचन, और किचन के जस्ट पीछे है लॉन्ड्रा मैट। ये भाई वो लॉन्ड्री वाली जगह जहाँ पे आप अपने कपड़े वपड़े धो सकते हो। लेकिन पंगा ये है, यहाँ पे डॉलर का कॉइन डालना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये ड्रायर है और बाकी मशीन भी हैं, ये देखिए इस टाइप का ड्रायर है। अच्छा, आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है इन्होंने। किचन आपने पिछली 2-3 वीडियोस में देख ही ली होगी, और किचन अब मैं दिखाने वाला भी नहीं हूँ। और भाई जो आज का डेली का रिचुअल है उस मैट्रेस के अंदर हवा भरने का, और भाई वो भी अब नहीं। मैं भी जब मैं सोने जाऊँगा तब इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अब मैं कुछ स्पेशल करने वाला नहीं हूँ, एक वीडियो एडिट करनी है तो उस काम लगूँगा। यहाँ पे ओपन फायर अलाउड नहीं है। कई जो कैरावन पार्क होते हैं उनमें आपको फायर के लिए स्पेशली जगह मिलती है, वो वाली जगह यहाँ पे नहीं थी। कपड़े धोने के लिए आपको डॉलर के कॉइन चाहिए। कॉइन मेरे पास है नहीं, वरना मैं कपड़े सच में वॉश कर लेता। मेरे को सख्त ज़रूरत है उन कॉइन्स की, कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं। मैं अब आपको डायरेक्ट टेंट के अंदर जाके मिलता हूँ। Bye guys. ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई ये मेरी लास्ट कैंपिंग है। जो मेरी न्यूजीलैंड की फ़्लाइट है वो मैंने बुक कर ली है। कल मेरी फ़्लाइट है यहाँ से ब्रिस्बेन की, परसों मेरी फ़्लाइट है स्काई डाइविंग वाली, उससे अगले दिन मेरी फ़्लाइट है गोल्ड कोस्ट से वेलिंगटन की। नेक्स्ट लेवल मजे आने वाले हैं भाई। अब जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस थे आज यहीं पे ख़त्म होते हैं। दिस इज़ माय लास्ट कैंपिंग इन ऑस्ट्रेलिया। और भाई अब मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेरे पीछे वाले बंदे हैं वो सो चुके हैं, और अब मुझे भी सो जाना चाहिए। 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अरे हाँ, रिचुअल बचा हुआ था इसके अंदर भी। आई होप मैं आखिरी बार हवा भर रहा हूँ। न्यूजीलैंड में जाने के बाद मैं नया मैट्रेस ले लूँगा। Next videos.